नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाजार में परिंदा भी नहीं मार रहा पर, गली मोहल्लों की हालत खराब। बाजार में कटीले झाड़ लगाकर जिला प्रशासन ने आवाजाही पर लगाई रोक। मेडिकल स्टोर तक पहुंचने में लोगों को आ रही भारी किल्लत। कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने कटीले झाड़ लगाकर बाजार में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है। जहां जिला प्रशासन की कार्रवाई के चलते लोग तो लोग, अब परिंदे भी बाजार में फड़फड़ाते दिखाई नहीं दे रहे। जहां जिला प्रशासन की कार्रवाई से निश्चित तौर पर बाजार में कोरोना संक्रमण फैलने पर रोक लग सकी, वहीं कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है। मगर देखने में आ रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गांधी चौक पर लगे 6 मेडिकल स्टोर पर लोगों को पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गली मोहल्लों की हालत बद से बदतर बनी हुई है। नगर का एक भी वार्ड ऐसा नहीं जहां लोगों का मेला ना लगा हो। इतना ही नहीं, शरबत, टिकिया, कचौरी, समोसे के लगे ठेलों ने गली मोहल्लों को बाजारों की तरह रोशन कर दिया है। जहां सुबह से लेकर शाम तक चाट पकौड़ी के ठेलों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, लोग मास्क लगाने से भी परहेज नहीं करते दिखाई दे रहे। जहां जिला प्रशासन नगर के गली मोहल्लों की ओर रुक करे तो संपूर्ण लॉकडाउन के साथ कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर चलाए जा रहे अभियान को सफलता मिल सकेगी।